नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका एक्सप्रेसो में। हम आईपीओ के ऊपर एक सीरीज लेके आ रहे हैं और उस सीरीज की ये है पांचवी वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसे मेजर पॉइंट्स जिसको किसी भी बिगिनर को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो चांसेस है पूरे पूरे कि आप खराब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट या गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपकी आईपीओ सिलेक्शन काफी बेहतर हो जाएगी और आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सिंपल पॉइंट्स को समझे जिससे कि आप आईपीओ में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो मार्केट कंडीशन को ध्यान रखें। ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशन पे ध्यान नहीं देते, वो ये देखते हैं कि भाई कंपनी का नाम कितना है, कितना बड़ा मार्केट शेयर है, कितने का प्राइस मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें वो मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी जब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार आईपीओ का रिजल्ट उनको मन मुताबिक नहीं मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आईपीओ में आप पैसा किस मार्केट कंडीशन में लगाते हैं। देखिए, जब निफ्टी टॉप पे होती है तो सबसे ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होती है और उस वक्त सबसे ज्यादा आईपीओ रिलीज हो रहे होते हैं। पर ध्यान से समझिएगा, चूंकि मार्केट ओवरवैल्यूड है तो हो सकता है कि आईपीओ का प्राइस भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम पे मिल रहा हो। और इसके बाद अगर मार्केट करेक्ट होती है तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वो नए स्टॉक होते हैं, उनका बेटा नए स्टॉक्स का मार्केट के कंपैरिजन में हाई होता है और वो रिएक्ट भी ज्यादा करते हैं। तो मार्केट के थोड़े से भी करेक्शन पे वो नई कंपनी जिसका आईपीओ आपने खरीदा है, हो सकता है कि आईपीओ के बाद वो ज्यादा उसका प्राइस गिर जाए। तो सही कंडीशन होता है मार्केट का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का जब मार्केट स्टेबल हो, मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड हो रही हो, ना कि आप मार्केट के टॉप पे जब बहुत सारे आईपीओ आ रहे हो उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मार्केट कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। मार्केट कंडीशन नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और मार्केट ओवर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मार्केट आपका कंसोलिडेट हो रहा हो, मार्केट रिबाउंड हो रहा हो, उस वक्त कोई अच्छा आईपीओ आता है तो वो बहुत ही उचित समय है मार्केट में पैसा या आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आपको जो ध्यान देना चाहिए, ज्यादातर इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते, कि भाई जो आईपीओ आ रहा है वो आईपीओ ऑफर फॉर सेल है या फिर एक फ्रेश इशू है। ज्यादातर ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जब प्राइवेट इक्विटी होती है, जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया होता है, वो अपने शेयर्स बेच के निकल रहे होते हैं। जैसे पीछे LIC के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर बेच करके निकल रही होती है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है ना कि कंपनी को। फ्रेश इशू में पैसा कंपनी को जाता है, ऑफर फॉर सेल में ज्यादातर इन्वेस्टर एग्जिट हो रहा होता है। तो जब वो पैसा अगर कंपनी में नहीं जाता है तो कंपनी फर्दर स्केल अप नहीं कर पाती है। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर्स स्विच होते हैं, जहां पे पहले इन्वेस्टर्स प्राइवेट इक्विटी थी वहां पे इन्वेस्टर्स अब पब्लिक बन जाती है। बट ना ही कोई मैनेजमेंट में चेंज होता है, ना ही कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फंड मिलता है, तो जो कंपनी की ग्रोथ होती है वही होती है जो पहले से चली आ रही है। तो एक पुरानी कंपनी, स्टेबल कंपनी, मैच्योर कंपनी, जैसे कि LIC थी, LIC के केस में हमने देखा, ठीक है, इनका ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें और कितना नए पॉलिसी आ रही है, कैसा नया मैनेजमेंट आ रहा है और कितना ज्यादा नया फंड आ रहा है ताकि वो स्केल अप कर पाए। अदरवाइज वो एक मैच्योर कंपनी है और अपने जो स्टेबल ग्रोथ रेट है उसी पे वो ग्रो करेगी और बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफर फॉर सेल में देखिए क्या है कि अगर कंपनी का मालिक खुद बेच के भाग रहा है तो हम क्यों लें। तो ऑफर फॉर सेल को बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
दूसरा, अगर फ्रेश इशू है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई ये पैसा जो कंपनी में जा रहा है, इस फंड का यूज कंपनी क्या करेगी, क्योंकि कंपनी अगर फंड का यूज प्रॉपर नहीं करती है तो वो फंड का वेस्टेज है और फिर से ग्रोथ नहीं मिलेगी, कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो शेयर्स के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये कहाँ मिलेगा कि भाई यूज ऑफ फंड क्या है कंपनी का, इसके लिए आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है या ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसको कैसे पढ़ते हैं इसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर अभी पॉपअप करेगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को कैसे पढ़ते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि यूज ऑफ फंड क्या है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खासकर वॉरेन बुफे ने भी बार बार बोला है कि मैं उस कंपनी में या उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाता जिस बिजनेस की मुझे समझ नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है तो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल पे कैसे पैसा कमाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई के तो कोई चार्ज लेता नहीं है, फिर कैसे कमाता है। तो फिर आपको एक्चुअल में जिस बिजनेस में भी आप पैसा लगा रहे हैं उसका रेवेन्यू मॉडल आपको पता होना चाहिए, उस कंपनी का मार्केट शेयर पता होना चाहिए, कंपनी किस तरह के इंडस्ट्री में काम करती है, इट्स अ मोनोपोली, ड्यूओपोली, अल्गोपोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन कैसा है और मार्केट शेयर कैसा है। ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। और फाइनली, मैनेजमेंट टीम कौन है, क्या ये पूरा वन मैन शो है या एक प्रॉपर क्वालिफाइड मैनेजर्स की टीम है जो कि कंपनी को मैनेज कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो इसके अलावा हाँ, आपको राइट प्राइस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब पता कैसे चले कि राइट प्राइस क्या है, क्योंकि अगर आप अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ते हैं जब आईपीओ रिलीज होता है तो कोई कहता है कि भाई इसका प्राइस 2000 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब LIC का आईपीओ आया तो कुछ लोगों ने बोला इसका प्राइस 2000 होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला 1500 होना चाहिए, कुछ ने बोला 1000 होना चाहिए, कुछ ने बोला 400 होना चाहिए। तो उसका राइट प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए, प्राइसिंग के लिए दो मॉडल हमेशा यूज होते हैं। एक होता है कंपैरेटिव प्राइसिंग मॉडल, यानी कि LIC टाइप की ही कोई कंपनी हो या IRCTC टाइप की, या पेटीएम का अगर आईपीओ आ रहा है तो उस टाइप की कोई कंपनी ऑलरेडी है जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था, तो वो उसकी प्राइसिंग कैसे की गई, वो उसका प्राइस अपने प्रॉफिट के कितने टाइम्स था। जनरली आप PE रेशियो से इसको समझ सकते हैं, आप EPS के कितने टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी के 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितनी वैल्यूएशंस थी उसकी। तो एक कंपैरेटिव अप्रोच अगर लेते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा मॉडल होता है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, जिसमें आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल या DDM मॉडल यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नए बिगनर्स जो होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसी बिगनर के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि कंपनी का कंपैरेटिव एनालिसिस करे कि सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी, जैसे LIC का आईपीओ आया तो उसका PE रेशियो क्या रहा प्राइस का, और उसी के साथ अगर ICICI लॉम्बार्ड है या कोई और इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जिसका क्या चल रहा है PE रेशियो, अगर आप कंपेयर करें कि दोनों अगर 80 है या 100 है और LIC का भी उसके आसपास है, तो बहुत फेयर प्राइसिंग है। बट अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है तो फिर आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी हमने इसी आईपीओ सीरीज में बनाया है, आप एक्सप्रेसो के चैनल पे इसको देख सकते हैं। अब बात रहती है कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो IHNIs हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है या कोई बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या एक्सपोजर है आईपीओ में। तो जब आईपीओ लॉन्च होता है तो आपको जनरली आईपीओ 1 से लेके 3 दिन तक के बीच में आपको आइडिया लग जाता है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का एक्सपोजर क्या है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर क्या है। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आईपीओ में, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी आपको थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसमें पैसा लगाने के लिए कि भाई जब बड़ा इन्वेस्टर
पैसा नहीं लगा रहा है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, ज्यादा बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो कि एनालाइज कर रहे हैं उनके लिए, अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो हम क्यों पैसा उसमें लगाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक्सपोजर क्या है उस आईपीओ में। इसको अक्सर ग्रे मार्केट प्राइस को लोग जीएमपी भी बोलते हैं, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ग्रे मार्केट प्रीमियम को यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि बहुत ज्यादा ग्रे मार्केट का प्राइस अफेक्ट होता है बिग इन्वेस्टर्स के पैसे का फ्लो अगर उसमें है तो इस बात से। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यस आपको एक आइडिया दे देता है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है ग्रे मार्केट में तो नहीं लेना चाहिए, अगर ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम पे मिल रहा है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है कि हाँ लिस्टिंग के बाद भी इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। दो इसकी कोई गारंटी नहीं है बट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी एक वाइडली नोन फैक्टर है और बहुत ईजिली अवेलेबल है बहुत सारी वेबसाइट्स पे। हाँ, ये गलती अक्सर आप करते हैं कि नए इन्वेस्टर्स हाइप बहुत ज्यादा जिस शेयर का हो रहा है उसको जरूर अप्लाई करते हैं, जैसे कि पीछे आईआरसीटीसी का आया आईपीओ, या फिर पेटीएम का आया, या फिर एलआईसी का आईपीओ आया। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देख के खरीदते हैं कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखिए, इस मार्केट में हर्डिंग बिहेवियर हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो हर्डिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आपको अपनी एनालिसिस खुद करना चाहिए, दूसरे के दिखावे पे दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अपनी रिसर्च अपनी एनालिसिस अपनी अक्ल जरूर लगाएं। फाइनली एक चीज हर कोई रेकमेंड करता है, वो मैं भी रेकमेंड करता हूं कि कोशिश कीजिए कि थर्ड डे को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक आप अप्लाई कर दें, उस वक्त तक आपको आइडिया लग जाता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन क्या है आईपीओ में, या एचएनआईज का पार्टिसिपेशन क्या है, तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि हाँ बड़े इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं। आईपीओ कितनी टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 5 times, 2 times, 3 times, अगर 3 to 4 times सब्सक्राइब हो चुका है या 5 times सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब, तो चांसेस होते हैं कि लिस्टिंग के बाद वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो थर्ड डे इट इज रिकमेंडेड कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपने समझी ये 8 simple things जिससे कि आप अच्छा आईपीओ सेलेक्ट कर पाएंगे, गलत टाइमिंग आपकी नहीं होगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर एक्चुअल में आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझना है तो एक्सप्रेसो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ जानना सीखना समझना है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और इस चैनल को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।